चिकन पीस बन रहा है हमारा अंडे का, उसके पटाटो फ्राई बन रहा है। यूट्यूब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फिलहाल गाइस आज फिर एक नई शॉपिंग के लिए निकल चुका हूँ मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट के लिए। और मार्केट में मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि ये जो सामान है ये कितने का पता है इंडिया का, तो आप मेरे साथ बने रहें और चलिए चलते हैं। सऊदी अरब, ये इशारा है जो कि रियाद में एक छोटे से गाँव के पास का है, शायद ये गाँव है जो अंदर की तरफ है, तो आप देख सकते हैं। तो भाई साहब अभी हम टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी हमारी निकल चुकी है, शाम का टाइम हो गया, फिर हमें रात हो जाएगी। और कुछ इस तरह का नज़ारा है गाइस, शाम का नज़ारा देखो भाई साहब। शाम होने वाली है, शाम की मगरिब की अजान हो गई है गाइस। और गाइस अभी हम जो घूम रहे हैं ये क्या कहते हैं, रियाद की एक मार्केट जो कि बहुत, जैसे कि अपना मुरादाबाद के अंदर का एरिया होता है उस तरह का ये मार्केट है। और अभी आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि कोई कॉलोनी वलोनी हो कोई बड़ी सी। हाँ, तो हम यहाँ अंदर घूम रहे हैं, मैं पहली बार आया हूँ इधर के रास्ते से। ये इन लोगों को हमें पत्ती गली से निकाल लिया भाई साहब, ये चाचा पता नहीं कौन कौन सी गली से निकाल रहे हैं हमें। पाकिस्तान से हैं माशाल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं बाजार की तरफ, तो अभी हम जो है मेन रोड साइड आए हैं अंदर से निकल के, देख सकते हैं। ये मगरिब का टाइम है और नमाज का टाइम है। आप पाकिस्तान में कहाँ से? मैं पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा। खैबर, अच्छा ये खैबर का है, किसके पास पड़ता है? इंडिया खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, पंजाब के पास पड़ता है? नहीं, ये उधर इसका बॉर्डर जो है उधर लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है। अच्छा, अफगानिस्तान के पास लगता है। फिर हम उतर के जो है नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट से हमें थोड़े राइस लेनी है, तो राइस का जो कट्टा है वो इंडिया का जो होता है, इंडिया का मुझे लेना है, मेड इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूँ कि वो कितने का पड़ेगा यहाँ पर और इंडिया में कितने का पड़ेगा। तो चलिए तीसरे दिन बाद हम जो है निकल के आए अपने घर से और हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो मैं आपको यहाँ का रश दिखा देता हूँ कि ये 3 दिन बाद का रश यहाँ कितना है, कुछ भीड़ कितनी है। ये भीड़ इतनी है और ये नेक्स्ट मार्केट है। ये तेल पीठ बन रहा है हमारा अंडे का, पटाटो फ्राई बन रहा है। ये चुप हमारा तेल पीठ है, कुछ क्या है 3 रियाल का है भाई, 1 रियाल इंडिया का बनता है शायद 50-60 रुपये का है, 60 रुपये का ही। तो अभी मॉल के अंदर चल रहे हैं हम, मतलब कम्बाइंड मॉल है, सब चीज़ मिल सकती है यहाँ पे। मॉल के अंदर चल रहे हैं आप देख सकते हो, और ये आगाज जो भी है यार। भाई साहब अभी ये वाले चावल ले रहे हैं, सब चावल की वैरायटी है। और ये 5-5 किलो कट्टे हैं, देख रहे हैं इसके कितने महंगे महंगे कट्टे हैं, ये आप समझ सकते हैं बहुत महंगे यार चावलों के, सबसे बहुत महंगे देख रहे हैं क्या करना। और ये कुछ नाइट लाइफ है सऊदी अरब की, कुछ इस तरह से है सऊदी अरब, ये देख सकते हैं गाइस आप। कम से कम शाम के 8 बज रहे हैं, तो अभी 8 बज रहे हैं, वो इस तरह से ये नाइट है। लाल भाई अभी हम आ गए हैं मेन रोड की तरफ, और मेन रोड की तरफ कुछ मार्केट है जो कि मसालों की मार्केट है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितना सस्ता जो है राइस मिलने वाला है, तो अभी दिखाते हैं आपको, देखते हैं क्या। तो भाई साहब हमने दुकानों पर देखा, दुकानों पर हमें जो है चावल महंगा पड़ रहा है और यार क्या कहते हैं, और चावल भी अच्छा नहीं है। तो गाइस काफ़ी देर घूमने के बाद मुझे जो है चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं ले पाया। काफ़ी देर घूमने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा महंगा लग रहा था इसलिए मैं नहीं लिया। अभी हम ऐसे ही मार्केट में घूम के जा रहे हैं अपने घर पर। तो गाइस ये नाइट व्यू सऊदी अरब का, और आज
ये भीड़ भाड़ इतनी है, और मतलब समझ लीजिए कि बकरीद का ये तीसरा दिन है, तो भीड़ भाड़ है और मतलब नॉर्मल सी भीड़ है। तो भाई साहब बहुत देर घूमने के बाद जो है हमें खुद जो है राइस का प्राइस अच्छा नहीं लगा, और थोड़ा राइस भी अच्छा नहीं लगा, कुछ मोटा था, तो इस वजह से हमने खरीदारी नहीं की। और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने रूम पे, मज़ा नहीं आया, घूम लिए भाई इतना हो गया और क्या, मार्केट में रात में। और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में गाइस।